छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भवानी म्हणजे आज दुसरा जागतिक कृषी पुरस्कार 2024। खरं म्हणजे मी अनेक पुरस्कार द्यायला असतो पण आज मला पुरस्कार मिळालेला आहे। आणि आजच्या या पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थित आपले महामहिम राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन जी, श्री रूडी रेबिंग चेयरमन वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम, डॉक्टर विलियम दार वाइस चेयरमन डब्ल्यूएएफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम, एमजे खान कंट्री हेड वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम, पाशा पटेल तर आहेत तिकडं, अध्यक्ष राज्य कृषी मूल्य आयोग, त्यांनी मगाशी विदाउट साउंड सिस्टीम त्यांनी आपली करामत करून दाखवली पण ते आपली वायर कोणी कापली होती त्याला एक बांबू कुठलं ते दाखवायला लागेल। तसं त्यांच्याकडे वेगवेगळ्या व्हरायटीचे बांबू आहेत आणि खऱ्या अर्थाने म्हणजे किती एका दिवसाला एक फूट वाढणारा बांबू पण मला त्यांनी सांगितलं त्याचं नाव आहे भीम बांबू। म्हणजे वेगवेगळ्या व्हरायटी आहेत बांबूमध्ये, आपण कधी विचार पण नाही केला। आणि ऑल अम्बॅसेडर्स ऑफ व्हेरियस कंट्रीज, ऑल पद्म अवॉर्डीज, फार्मर्स, डिप्लोमॅट्स अँड अदर डिग्निटी, सर्व मान्यवर, सगळ्यांची नावं घेत नाही। आणि खरं म्हणजे आजचा हा दुसरा जागतिक कृषी पुरस्कार 2024 जो आपल्या राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री म्हणून वर्ल्ड ॲग्रीकल्चर फोरमने दिला त्यासाठी मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो, त्यांचे आभार मानतो। आणि हा पुरस्कार जो आहे हा महाराष्ट्रातील जनतेचा आहे आणि हा पुरस्कार मी शेतकऱ्यांना समर्पित करतो। आपले पाहुणे थोडे सगळे परदेशी आहेत त्यामुळे थोडं त्यांच्यासाठी मी इंग्रजीमध्ये थोडं बोलतो। ॲट द आउटसेट आय वेलकम ऑल द डिग्निटरीज प्रेझेंट हिअर फॉर दिस प्रेस्टिजियस अवॉर्ड सेरेमनी। आय एम रिअली ग्रेटफुल टू द वर्ल्ड ॲग्रीकल्चर फोरम, एस्पेशली थँक्स टू प्रोफेसर Rudy Rebing and President of the World Agriculture Forum for giving me the World Agriculture Award. मी आता मगाशीच म्हणालो त्याप्रमाणे आय डेडिकेट दिस अवॉर्ड टू फार्मर्स ऑफ माय स्टेट महाराष्ट्र। देअर इज ऑल्सो को इन्सिडन्स, टुडे इज वर्ल्ड बॅम्बू डे। महाराष्ट्र इज इन प्रोसेस टू प्रमोट बॅम्बू टू मेक अ न्यू सोर्स ऑफ इन्कम फॉर द फार्मर्स। आय एक्सटेंड माय विशेष टू ऑल द फार्मर्स अँड ऑफिसर्स इन द प्रोसेस। मनी, गोल्ड, प्रॉपर्टी, नथिंग कॅन बी एस अ सबस्टिट्यूट फॉर द फूड टू सॅटिस्फाय युअर हंगर। That special power is only with the farmer. That's why the farmer is called Annadata. I can proudly say that I am also one of them, a farmer. मी पण
शेतकऱ्याचा मुलगा आहे नेहमी सांगतो याचा देखील मला अभिमान आहे. I am really happy that 2 months ago I received agriculture leadership awards at the hands of Union Agriculture. Minister Sri Shivraj Singh Chauhan, and today I feel really proud to get this World Agriculture Prize. I am receiving this award on the behalf of all the farmers of Maharashtra. It's because of their dedication and efforts. Maharashtra is selected for this award. I want to mention here that our state Maharashtra is bigger in area, population and economy than many other nations in the world. Our state is the growth engine of our nation, India, Bharat. We are giving the biggest contribution in GDP, foreign direct investment, employment generation and development. Today we are on top in education, healthcare, agriculture and infrastructure. In last week, World Economic Forum founder Mr. Klaus Schwab came to meet me. He signed the MOU with our MMRDA. MMRDA is playing a key role in the development. It's a big achievement for us and our state. महाराष्ट्र में किसान में ऐसी क्या खासियत है पाशा भाई, आपको पता है, इसलिए आप ये सब पूरे टास्क के पीछे लगे हैं. मेरे ख्याल से वक्त के अनुसार बदलना वे जानते हैं, और बदलाव को कभी ना नहीं कहते, ये उनके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. कम से कम जमीन में ज्यादा उत्पादन लेने का चैलेंज उनके सामने है. मॉडर्न टेक्नोलॉजी को वे अपना रहे और दुनिया के साथ आगे बढ़ना ये भी हमारा वसूल है, और एक कंपटीशन का जमाना है, उसमें हमें आगे बढ़ना है. भारत ने खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की है. अब अनाज की चिंता खत्म हुई है. मेरे ख्याल से फूड सिक्योरिटी के बारे में आज यहां पर चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन कृषि और पर्यावरण का संतुलन कायम रखने की चुनौती अभी भी अपने सामने है. वैश्विक तापमान वृद्धि का खतरा सिर्फ भारत पर ही नहीं, पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है. मैं पिछले समय जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अटेंड कर रहा था, तो वहीं पर मेन इशू ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पे ही था. हमें मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा. पर्यावरण के बारे में बार बार होने वाला बदलाव इस संकट का कारण है. मेन बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, तूफान, लैंडस्लाइडिंग, एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ सूखा जैसी भयानक स्थिति, ऐसा डबल संकट हमारे राज्य को झेलना पड़ता है, फेस भी करना पड़ता है. इन सबका दुष्परिणाम किसानों को भुगतना पड़ता है. हमारी यही कोशिश है कि किसानों को इन खतरों से निपटने के लिए सहायता करनी चाहिए. हमारी सरकार जो है हमेशा किसानों के पीछे खड़ी रही है. आपले सरकार नेहमी शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहिले. एकीकडे काही ठिकाणी दुष्काळ, पण या काही ठिकाणी अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, पण यावर्षी चांगला पाऊस पडलेला आहे, चांगलं पीक येईल, शेतकरी सुखी होईल अशी अपेक्षा आपण केलेली आहे. देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदीजीने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की अपील की. इस अपील के बाद अब हमने महाराष्ट्र के किसानों को
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की दिशा में ले जाने का प्रयास शुरू कर दिया है। पर्यावरण अनुकूल कृषि तकनीक समय की मांग है, उस संबंध में महाराष्ट्र कई गतिविधियों को लागू कर रहा है। एक उदाहरण मैं यहाँ पर देना चाहूंगा, महाराष्ट्र में बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने एनवायरमेंट टास्क फोर्स बनाया है। ये पहला राज्य है हमारा, और हमारे बांबू मैन पाशा पटेल इस कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा है भाई उन्हें। ही गॉट कैबिनेट मिनिस्टर। हमने 1,00,000 हेक्टेयर में बांस की खेती का लक्ष्य रखा है। ज्यादा है ना हमारा, 21,00,000। और कई जिलों में इसकी शुरुआत हुई है। हमारे सतारा जिला में 10,000 हेक्टेयर का एमओयू साइन हो गया है और बांबू प्लांटेशन भी शुरू हुआ है। पूरे स्टेट में, राज्य में 21,00,000 हेक्टेयर बहुत बड़ा मायने रखने वाला प्रकल्प है। यहां मेरे सामने कई डेवलपर भी हैं, बैठे हैं, उद्योजक भी हैं। अभी आपको भी फर्नीचर में बांबू का इस्तेमाल करना है। मेरे ख्याल से पाशा जी बेंगलोर और गुवाहाटी एयरपोर्ट में पूरा फर्नीचर बांबू का बनाया है, और सभी लोगों का इसमें सहयोग की आवश्यकता है। हमने जो योजना किसानों के लिए बनाई है, उसमें किसान को सिर्फ राहत नहीं मिलेगी बल्कि उसका आर्थिक स्तर भी बढ़ेगा और उनका राज्य के जीडीपी में योगदान भी बढ़ेगा। केवल 1 रुपए में फसल बीमा देने का निर्णय हमने लिया और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है। यह भी पहला राज्य है देश में जो 1 रुपए में फसल बीमा देने का निर्णय लेने वाला राज्य महाराष्ट्र। नमो शेतकरी महासम्मान योजना में हर साल मोदी जी 6,000 रुपए देते हैं और हमारी सरकार 6,000 रुपए देती है। 12,000 सालाना किसान को हमारे राज्य में मिलते हैं, उनके डायरेक्ट किसानों के बैंक अकाउंट में डीबीटी होता है। फार्मर ग्रुप्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं हम लोग, उन्हें प्राकृतिक और जैविक खेती के प्रशिक्षण दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक खेती के 25,00,000 हेक्टेयर का हमने टारगेट रखा है। एग्रीकल्चर वैल्यू चेन को हमारी सरकार मजबूत कर रही है। स्टोरेज एक्सपोर्ट के लिए किसानों का मार्गदर्शन और सहायता भी हमारा कृषि विभाग कर रहा है। माइक्रो मिलेट के प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी करने का काम शुरू है, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मिलेट को प्रमोट किया है और इसके वजह से हमारी सरकार भी वैसे आगे बढ़ रही है। अगले 2 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में लगभग 5,00,000 एग्रीकल्चर पंप्स देने का टारगेट हमारी सरकार ने रखा है, कृषि पंप। मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना के तहत राज्य में 8,000 से 9,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हमारी सरकार कर रही है। किसानों को अभी दिन में भी बिजली मिलेगी, किसानों को 24/7 बिजली मिले, इसके प्रयास हमारे सरकार के जारी है। इरिगेशन को बढ़ावा दिया है, 17,00,000 हेक्टेयर जमीन इरिगेट करने के लिए 125 इरिगेशन प्रोजेक्ट को मान्यता दी हुई है। मैं यहां पर याद दिलाऊंगा कि हमारी सरकार जब शुरुआत हुई, मैं और देवेंद्र जी दोनों ने शपथ ली थी, और पहले कैबिनेट में हम किसानों के हित के लिए ये इरिगेशन प्रोजेक्ट को ही मान्यता दी थी इसको, और पिछली सरकार में, मैं अभी कंपैरिजन नहीं करूंगा और आज मैं किसी के ऊपर टिका भी नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहूंगा आपकी जानकारी के लिए, 2.5 साल में
सिर्फ पांच इरिगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी और हमारे दो साल में 125 इरिगेशन प्रोजेक्ट को मान्यता दी। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो पैक है उसका कंप्यूटराइजेशन का काम लगभग पूरा हो रहा है। हमारे गृह मंत्री केंद्रीय और सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह इन्होंने इसको बढ़ावा दिया है और इसका लाभ किसानों को होना चाहिए ऐसी उनकी कोशिश है, तो उसमें भी हमारी सरकार बहुत बड़ा योगदान दे रही है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पर हमारी सरकार जोर दे रही है। नैसर्गिक आपदा में हमारी सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, करती भी रहेगी, क्योंकि जो नैसर्गिक आपदा होती है तो एनडीआरएफ के रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, तो सब हमने चेंज कर दिए। एनडीआरएफ के डबल नुकसान भरपाई हमारी सरकार ने दी, 2 हेक्टर की लिमिट थी 3 हेक्टर बढ़ा दी, ये भी हमारी सरकार ने नया नियम। देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, महाराष्ट्र इसमें $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का योगदान देने का काम जरूर करेगा। इस लक्ष्य को, इस टारगेट को हासिल करने में कृषि क्षेत्र की बड़ी अहम भूमिका यहां पर रहने वाली है और केवल उद्योग के सहारे इस लक्ष्य को हम पा नहीं सकते। कृषि संशोधन, कृषि उत्पादन तथा कृषि वितरण व्यवस्था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन तीनों सूत्रों के सहारे हम देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं, हमारा भी यही प्रयास है। महाराष्ट्र को देश में कृषि क्षेत्र में नंबर 1 बनाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री किसानों के बारे में हमेशा, उनकी योजनाओं के बारे में हमेशा दिल से कोशिश करते हैं और इसलिए हमारा भी फर्ज है कि किसानों के लिए हम अनेक योजना जो है ये उसको आगे बढ़ा रहे। और इसलिए फिर से एक बार मैं ये सब स्पष्ट करते हुए वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम को धन्यवाद देता हूँ और एट द एंड आई एक्सप्रेस माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम एंड इट्स ऑल मेंबर्स। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।